गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मेरा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस एंड्स विद चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें जो सेंटेंस ख़त्म होता है वो होता है चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, या ये थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो होगी हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी इसके अंदर यूज़ होती है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, आसमान में सितारे चमक चुके थे। अब देख सकते हैं आप इसमें जो लास्ट में जो आपकी पहचान आ रही है वो क्या आ रही है, चुके थे। द स्टार्स आपके वर्ब, मैंने बताया है हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगी वो हैड यूज़ होगी। द स्टार्स हैड शोन इन द स्काई। एफर्मेटिव सेंटेंस जो इसके होते हैं उसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम स्कूल जा चुका था, राम हैड गॉन टू स्कूल। इसके नेगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद एकदम नॉट लगेगा, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल है, राम स्कूल नहीं गया था, सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले राम, और फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कूल जाने की क्या होगी, जाने की गो होती है, तो आपकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी गॉन टू स्कूल। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले बता रखा है दो टाइप के होते हैं, एक तो डब्ल्यू एस फैमिली से स्टार्ट होते हैं, दूसरे होते हैं आपके येस या नो वाले जो क्या से स्टार्ट होते हैं। डब्ल्यू एस फैमिली से जो स्टार्ट होते हैं और सिंपल उसका स्ट्रक्चर ये है, स्टार्टिंग में अगर आपका डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, जो आपका डब्ल्यू एच वर्ड है वो प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल है, क्या आपने देखा था, ये आपका यस एंड नो वाला है। अगर मैं आपसे पूछूंगी क्या आपने देखा, तो आप इसका आंसर यस एंड नो में ही देखे थे, हाँ हमने देखा था या नहीं हमने देखा था, तो ये आ जाएगा। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, हैड यू सीन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इसमें आपने क्या देखा था। अब इसके अंदर आप यस एंड नो क्वेश्चन आंसर की तरह नहीं बोल सकते आंसर, इसमें आप पहले किसकी लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड की, जो आपकी क्या है, तो आ जाएगा व्हाट, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म सीन, व्हाट हैड यू सीन। अब इसके स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो आपके सबसे ज़्यादा सेंटेंसेस आते हैं वो होते हैं डबल सेंटेंसेस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर डबल सेंटेंसेस होते हैं। डबल सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है। उसके बाद डबल सेंटेंस में अगर पहले है तो बिफोर आएगा, और अगर बाद में है तो आफ्टर आएगा। तो पहले वाले का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, कहीं पर अगर जो सेंटेंस है वो पहले वाला है तो कैसे बनेगा, तो बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए, जैसे है तुम्हारे स्टेशन पहुँचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। अब ये क्या आ गया यहाँ पर, पहले। इसमें दो जो हैं डबल सेंटेंस हैं, दो सेंटेंसेस हैं, कैसे, तुम्हारे स्टेशन पहुंचना, पहले वो स्टेशन पहुंचा, उसके बाद पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, रेलगाड़ी नहीं गई। हम जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो सबसे पहले इधर वाले सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, पहले के बाद वाली या बाद के बाद वाली, इस वाले सेंटेंस की हम सबसे पहले इंग्लिश बनाते हैं। तो ये कैसे बनेगा, द ट्रेन हैड नॉट गॉन, पहले इसकी बनेगी रेलगाड़ी नहीं गई थी। तो मैंने आपको बताया जो पहला सेंटेंस बनेगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हमारा क्या, रेलगाड़ी नहीं गई नेगेटिव है, तो द ट्रेन हैड नॉट गॉन। अब आएगा हमारी पहले की इंग्लिश बिफोर, फिर हमारा इधर वाला सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा पास्ट इनडेफिनेट में, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो बनेगा पास्ट इनडेफिनेट में। पास्ट इनडेफिनेट में आपको पता है स्टूडेंट्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो आ जाएगा बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। ओके, इसी तरह बाद वाले सेंटेंस जो होते हैं, बाद वाला सेंटेंस देखिए, पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। अब बाद वाले में क्या होगा, एक तो सबसे पहले आपका आफ्टर लगेगा बाद के लिए, दूसरा इधर वाला ही सेंटेंस सबसे पहले बनेगा, डॉक्टर साहब नहीं आए, पहले क्या काम हुआ, पिताजी गए ने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए, दो सेंटेंस हैं इसके अंदर भी, तो आप क्या लगाएंगे, पहले इधर वाले सेंटेंस की हम ट्रांसलेट करेंगे, तो डॉक्टर साहब नहीं आए, और हमारा अगर आफ्टर वाला सेंटेंस है तो हमारा पहला जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा पास्ट इनडेफिनेट में, और दूसरा वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो जो पहला हमारा सेंटेंस बन रहा है वो है द डॉक्टर डिड नॉट
कम। अब हमारा पास्ट इंडेफिनेट में बन रहा है, आपको पता है पास्ट इंडेफिनेट में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो डिड नॉट आता है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये बन गया द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर हैड गॉन। आपका जो दूसरा सेंटेंस बना वो आपका बना पास्ट परफेक्ट में, तो इसमें हैड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। स्टूडेंट्स ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर हमारा पहले वाला है तो उसमें पहला सेंटेंस किसका बनेगा पास्ट परफेक्ट का और दूसरा बनेगा पास्ट इंडेफिनेट का, और अगर बाद वाला है तो उसमें पहला सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनेट का और दूसरा सब्जेक्ट बनेगा पास्ट परफेक्ट का। अब इसके अंदर अगर इंटरोगेटिव होते हैं तो देखिए कैसे बनेंगे। क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था? मैंने आपको बताया पहले वाले में जो पहला सेंटेंस बनेगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हैड आ जाएगा पहले। हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर द सन सेट। दूसरे वाला आपका पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। उसके बाद है क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था। अब बाद वाले में मैंने आपको बताया जो पहला सेंटेंस बनेगा वो पास्ट इंडेफिनेट में बनेगा, तो किससे बनना वो डिड से। डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको अपने सेंटेंसेस बनाने हैं, मैं आपको उसकी एक्सरसाइज दे रही हूँ, उसको आप बनाकर फिर मैं वो आपकी एक्सरसाइज टैली करवाऊँगी, वो मुझे भेजिएगा। थैंक यू।